आज का टॉपिक है हमारा कैथोडिक इलेक्ट्रोड पोजीशन कोटिंग। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है। और इलेक्ट्रो डिपोजिशन क्या होता है। और लास्ट में इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है। ये जितने भी नाम है ये सारे इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग के ही नाम है। तो जो हमारी पहली प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है, ये वह प्रोसेस होती है जिसमें कि लिक्विड डिकम्पोज हो रही होती है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव से सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को अलग अलग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मटेरियल पर सॉल्यूशन को डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इसमें केवल जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनको ही इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। तो हमारी इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग भी हो गई और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग क्या होती है, इसकी वर्किंग जानते हैं। इसकी वर्किंग ऐसे है कि अगर हम मेटल पार्ट को कंसिडर करते हैं तो ये एक्सेलेंट कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और इसकी वर्किंग में डीसी अप्लाई किया जाता है मेटल कंपोनेंट पर। मेटल कंपोनेंट ले लेंगे कोई भी जिस पर कि हम डीसी अप्लाई करेंगे। अब इसको जब डीसी अप्लाई कर दिया है तो जो अपोजिट चार्ज होगा वो हम पेंट के पार्टिकल्स पे अप्लाई कर देंगे। पेंट के पार्टिकल्स पे अपोजिट चार्ज अप्लाई कर दिया और ये मेटल कंपोनेंट से हमने डीसी चार्ज अप्लाई कर दिया। उसके बाद में जो पेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कंपोनेंट पर तब तक डिपोजिट होते रहेंगे जब तक कि कोटिंग को डिजायर्ड थिकनेस नहीं मिल जाए। जैसे ही कोटिंग को डिजायर्ड थिकनेस मिल जाएगी, मतलब सारे कॉर्नर्स सारे जो गड्ढे हैं वो पूरी तरह से फिलअप हो जाएंगे पेंट से, तब तक वो कोटिंग डिपोजिट होती रहेगी। इसलिए भी इसका नाम इलेक्ट्रो डिपोजिशन पड़ा। और उसके बाद फिल्म को इंसुलेशन कर लेते हैं, मतलब फिल्म को इंसुलेट कर लेते हैं और अट्रैक्शन को भी रोक देते हैं। जैसे ही हमें इवन लेयर मिल गई, मतलब इवन फिल्म मिल गई हमको, उसके बाद में हमने अट्रैक्शन स्टॉप किया और हमने इंसुलेशन कर दिया। उसके बाद में हम उस पार्ट को वॉश कर लेते हैं और फिर ड्राई कर लेते हैं, फिर हमारा पार्ट मिल जाता है। ये तो हो गई अब कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन की बात। अब बात करते हैं एनोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, सेम होता है कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग का, बस जो मेटल के आयंस होते हैं उसकी कुछ इम्प्योरिटीज ही कहेंगे, मेटल की कुछ इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो पेंट फिल्म में चली जाती हैं, मतलब पेंट फिल्म में चिपक जाती हैं। उसके बाद में जो पेंट जो कोटिंग की परफॉर्मेंस होती है वो हमें कोटिंग परफॉर्मेंस लिमिटेड होती है, मतलब हमें ज़्यादा गुड प्रोवाइड नहीं होती है।